दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों अक्सर लोगों को गलतफहमी होती है, जो इंसानों की तरह दिखने वाली मशीन होती है उसे रोबोट कहते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रोबोट बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। जहां एक तरफ रोबोट कार को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ स्मार्टफोन तैयार करने के लिए भी रोबोट्स को इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके अलावा ह्यूमनॉइड रोबोट्स भी होते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आप सोफिया के रूप में देख सकते हैं, जो इंसानों की तरह न केवल दिखती है बल्कि बोलती भी वैसे ही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आप ये चीज कैसे तय कर सकते हैं कि कोई मशीन है या रोबोट, क्योंकि हर एक रोबोट मशीन है, लेकिन हर एक मशीन रोबोट नहीं होती। इसके अलावा सवाल ये भी आता है कि रोबोट काम किस तरह करते हैं और इन्हें बनाया कैसे जाता है। आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपके इन सभी सवालों का जवाब देने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि आखिर रोबोट होते क्या हैं, या फिर हम किसे रोबोट कहेंगे। तो दोस्तों आपने चंद्रयान 2 के मिशन के बारे में सुना ही होगा। चंद्रयान में जो भी स्पेस क्राफ्ट था उसमें बहुत ही इंटेलिजेंट कंप्यूटर सिस्टम मौजूद थे। ऐसे में जब चंद्रयान 2 का लैंडिंग फेज था, जिसमें चंद्रयान को मून पर लैंड करना था, उस टाइम चंद्रयान के कंप्यूटर सिस्टम को सही जगह पर सेलेक्ट करके रोवर को सक्सेसफुली मून पर लैंड करवाना था, और वहां पर सारे डिसीजन कंप्यूटर ही ले रहा था कि कब थ्रस्टर को ऑन करना है, कैसे स्पेसक्राफ्ट को स्पीड को डाउन करना है, और कौन सी जगह पर रोवर को सही से लैंड करवाना है। वैसे तो ये मिशन अनसक्सेसफुल रहा, लेकिन वहां पर एक बहुत ही बेहतरीन कंप्यूटर सिस्टम सोच रहा था और सारे डिसीजन खुद ही ले रहा था, और ये सब कुछ मून की सिचुएशन के हिसाब से हो रहा था। ऐसे में हम इसे एक बहुत ही शानदार रोबोट कहेंगे, जो ये डिसीजन ले सकता है कि किस तरीके से कैसे काम करना है। क्योंकि देखा जाए तो चंद्रयान एक मशीन है, लेकिन उसके पास डिसीजन लेने की पावर है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये एक रोबोट है। वहीं दूसरी तरफ इंडक्शन मोटर है, जिसका स्विच ऑन करते ही वो स्टार्ट हो जाता है। अब अगर इस इंडक्शन मोटर में किसी का हाथ या पैर फंस गया तो इस मशीन को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आप इसे बंद करेंगे तभी ये मशीन बंद होगी। ऐसे में ये सिर्फ और सिर्फ मशीन का हिस्सा है। हालांकि जो रोबोट होता है वो भी मशीन ही होती है, लेकिन उसमें डिसीजन लेने का काम बहुत ही इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर का होता है, जिसे बहुत सारे इंजीनियर्स ने तैयार किया है। अब जैसे कि आपने गूगल असिस्टेंट को तो इस्तेमाल किया होगा, जिससे आप अपनी मर्जी का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन गूगल असिस्टेंट का जो जवाब देने का तरीका है, उसे जब आप गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा पक्का वहां पर कोई इंसान बैठा है जो सोच सोच कर जवाब दे रहा है। क्योंकि हम गूगल असिस्टेंट से कई बार ऐसे सवाल पूछ लेते हैं और वो इतने इंटेलिजेंट तरीके से जवाब देता है कि हम उस बारे में सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों ये तो हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम कंप्यूटर का दिमाग कह सकते हैं, और इसके पीछे एक सॉफ्टवेयर है जो कि बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। जहां गूगल ने इस असिस्टेंट वाले सॉफ्टवेयर को कितनी परमिशन दी है, ये किस तरीके से जवाब देगा, ये सब कुछ सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है। और एक तरह से उस सॉफ्टवेयर को परमिशन दी गई है कि वो कितना बोल सकता है और क्या क्या बोल सकता है। जैसे कि हम इंसानों की प्रोग्रामिंग कैसे होती है, क्योंकि जैसे बच्चा पैदा होता है हम उसे सिखाते हैं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, किस चीज को क्या कहते हैं, इस तरीके से एक बच्चे की पूरी प्रोग्रामिंग होती है। और ठीक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भी इसी तरीके से होती है, जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और अगर वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है तो हम उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जो कि खुद सोच सकता है, डिसीजन भी ले सकता है। ये जो सॉफ्टवेयर होता है, इसे बहुत सारे आईटी एक्सपर्ट्स मिलकर बनाते हैं, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा होता है, जैसे कि जावा। अब गूगल असिस्टेंट हमारे फोन में तो बैठा नहीं है, हमारा फोन तो उसका रिप्लाई करता नहीं है, तो गूगल असिस्टेंट कहीं तो होगा, कहीं पर तो अस्तित्व में होगा, हमारे फोन के जरिए ये केवल बोलता है। तो दोस्तों इस सॉफ्टवेयर को एक बॉडी चाहिए, जिसके जरिए ये बोल सके और जिसके जरिए ये अपने एक्शन को परफॉर्म कर सके, और उसी चीज के लिए कंप्यूटर होता है। अब कंप्यूटर को ज्यादा कुछ तो पता नहीं होता, लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर चल रहा है उसे सब कुछ पता होता है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या करना है, सब कुछ वो डिसाइड करता है। अब जैसे कि हम इंसानों को सोचने के लिए दिमाग चाहिए, वैसे एक कंप्यूटर को सोचने के लिए प्रोसेसर चाहिए, जहाँ सॉफ्टवेयर अपने इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग प्रोसेसर से अपने काम करवाता है, जहाँ सॉफ्टवेयर और प्रोसेसर दोनों साथ साथ काम करते हैं और ये दिमाग का ही हिस्सा है। अब जैसे कि गूगल असिस्टेंट एक सॉफ्टवेयर है जो बढ़िया तरीके से काम कर रहा है,
लेकिन ये केवल सुन सकता है, देख सकता है, लेकिन जवाब नहीं दे सकता। ऐसे में गूगल असिस्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रोग्राम है जिसे हम सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, लेकिन रोबोट को चाहिए कि वो देख सके, सुन सके, महसूस कर सके, और इसीलिए रोबोट के अंदर सेंसर लगे रहते हैं, जैसे कि बोलने के लिए माइक्रोफोन, देखने के लिए कैमरा, दूरी पता करने के लिए और भी चीजों को इस्तेमाल में लाने के लिए बहुत सारे सेंसर रोबोट में लगाए जाते हैं, और इन्हीं सेंसर से डेटा लेकर प्रोसेसर प्रोसेस करता है, और फिर जो सॉफ्टवेयर रोबोट के अंदर लगा होता है उसी के हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। और अगर हम चलने फिरने की एक्टिविटी के बारे में बात करें तो इसके लिए रोबोट्स को मोटर, पिस्टन और व्हील्स जैसी चीजों की जरूरत पड़ती है, और इन्हीं चीजों की मदद से रोबोट अपनी मूवमेंट कर सकता है। और सबसे अंत में रोबोट को चाहिए पावर सोर्स, और ये पावर रोबोट को मिलती है बैटरी, एयर और वाटर से, क्योंकि रोबोट एक मैकेनिकल डिवाइस है, इसलिए उसे ठंडा करने के लिए हवा और पानी की भी जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, इस तरह एक सॉफ्टवेयर, कई सारे मैकेनिकल पार्ट जैसे मोटर, गियर, बहुत सारे सेंसर और पावर मिलकर एक रोबोट को पूरा करते हैं, लेकिन इन सारी चीजों को एक साथ सिंक्रोनाइज होना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें अगर अलग अलग होंगी तो रोबोट काम नहीं कर सकता। यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर डिजाइन करता है, मैकेनिकल इंजीनियर बॉडी को डिजाइन करता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मोटर्स के काम को संभालता है, और इसी तरह सभी लोग अपना काम बांटकर एक पूरा रोबोट तैयार करते हैं। तो दोस्तों, आपको रोबोट्स के बारे में काफी कुछ पता चल गया होगा। अब आपके वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।